गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी विभा मैम बोल रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़ा था, यानी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आप जिस पौधे को आप देख रहे हो, ये आपने कई जगह लगा हुआ देखा होगा। ये हर जगह मिल जाता है। इसको गुलदोपहरा कहते हैं। इसमें जो फूल हैं, जब तक सूरज की रोशनी रहती है ये खिले रहते हैं, और जैसे ही सूरज की रोशनी ख़त्म होने लगती है ये फूल बंद हो जाते हैं। अब इस पौधे को देखिए, कैसा ज़मीन ही ज़मीन पर पूरा बढ़ रहा है। ये पौधा कभी भी ऊंचा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है ये बहुत नाजुक है और इसमें बिल्कुल भी सहारा नहीं है। अगर हम इसे ऐसे करें तो ये ऐसे गिर जाएगी, समझे। तो हमने हर्ब्स के बारे में भी पढ़ा था कि जिनके तने बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन हर्ब्स फिर भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि ये सामने देखिए, सदाबहार का पौधा है, इसका भी तना नाजुक है लेकिन ये खड़ा है। लेकिन ये जो पौधा है, ये देखिए कैसे लटक रहा है, यानी ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ये पौधे होते हैं जो रेंग रेंग के बढ़ते हैं ज़मीन पर। बच्चों, ये जो पर्पल कलर का पौधा है, ये भी आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास। ये भी ज़मीन पर देखिए कैसे रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहा है। इसका तना भी बहुत नाजुक है और इसमें सहारा नहीं है। देखिए बच्चों, ऐसे पौधे जिनके स्टेम्स बहुत नाजुक होते हैं और जिनमें सहारा नहीं होता, और वो ज़मीन पर इस तरह से रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हैं, उनको कहते हैं हम क्रीपर। क्रीप करना होता है यानी रेंगना। तो ऐसे पौधे जो कि ज़मीन पर रेंग रेंग कर बड़े होते हैं, वो आगे आगे ही ज़मीन पर ही फैलते जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। अब ये तो प्लांट्स हैं। आपको पता है हमारी कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी क्रीपर्स पर लगते हैं, जैसे कि पम्पकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, कैनरी मेलन यानी कि सरदा, वो जो पीले रंग का खरबूजा होता है उसे सरदा कहते हैं। ये सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, ये सभी क्रीपर्स पर लगती हैं। आपने इनको, हम हिंदी में बेल भी कहते हैं, तो आपने इनकी बेलों को कभी पेड़ों पर चढ़े हुए या नहीं देखा होगा। इनको आपने देखा होगा तो ये ज़मीन पर ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स, जो कि ज़मीन पर ही रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब जो आपकी स्क्रीन पर जो बेल है, आप उसे देखिए। ये पहले ज़मीन पर उग रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी है। अब ये कैसे चढ़ी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बेल में देखिए, ये लगा, ये उगा, ठीक है। ये देखिए, इसने इस पेड़ को यहाँ से पकड़ रखा है और इसी के सहारे से ये ऊपर ऊपर जा रही है। देखिए, सब जगह यहाँ पे बेल ने, देखो यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ पकड़ा हुआ है, और इसके सहारे, यानी इस बेल को, पहले ये ज़मीन पर थी, जैसे ही इसे इस पेड़ का सहारा मिला ये ऊपर चढ़ने लगी। ऐसी आपने कई कई सारी बेलें देखी होंगी जिनको हम जब सहारा देते हैं तो वो ऊपर चढ़ने लगती हैं। चलिए एक दो देखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये एक और बेल थी, ये पहले ज़मीन पर थी और इसको सहारा दिया गया और ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई। यानी कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो कि ज़मीनी ज़मीन पर खिसक खिसक के आगे बढ़ती हैं, और कुछ बेलें ऐसी होती हैं कि जिनको ज़रा सा सहारा मिले तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। बच्चों, चढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। तो इस तरह की बेलों को जिनको ज़रा सा सहारा मिले और वो ऊपर चढ़ जाएं, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। जो ज़मीन के सहारे बढ़ती जाती हैं उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं, और जिनको ज़रा सा सहारा मिले और जो ऊपर चढ़ जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ये तोरी यानी गोर्ड की बेल है और ये एक क्लाइंबर है। बच्चों, हमारे पास यहाँ पर घिया यानी कि बॉटल गोर्ड का भी बेल है, और वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है। तो यानी हमारी कुछ वेजिटेबल्स क्रीपर पे उगती हैं और कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि करेला, आप लोगों ने उसकी बेल देखी होगी, उसको ज़रा सा सहारा दें तो वो ऊपर चढ़ जाती है। तो करेले को कहते हैं बिटर गोर्ड, ये भी एक क्लाइंबर है। घिया यानी बॉटल गोर्ड, ये भी एक क्लाइंबर है। गोर्ड यानी तोरी, ये भी एक क्लाइंबर है।
और बीन्स जो कि हमारी फलियां होती हैं वो भी क्लाइंबर्स होती हैं, क्योंकि उन्हें जरा हम उन्हें सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे ही उन्हें सहारा मिले वो ऊपर चढ़ जाती हैं। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में दो तरह के प्लांट्स और पढ़े हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स।